नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम शाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 12 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है फिक्की की एनुअल जनरल मीटिंग यानी AGM। 12 दिसंबर को ये एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि इस बार जो AGM हो रही है वो फिक्की की कौन सी AGM हो रही है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है कि इस बार की जो AGM 2020 में हो रही है वो है 93rd AGM मीटिंग है फिक्की की, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में डिलीवर करेंगे ये फिक्की की 93rd एनुअल जनरल मीटिंग्स को, और ये 11 AM पर शुरू होगी 12 दिसंबर को। और इस बार का जो थीम है फिक्की का, है ना, वो क्या है? इंस्पायर्ड इंडिया। अब बेसिकली अगर बात करें फिक्की है क्या, तो फिक्की एक तरीके से यहाँ पर एक मंच है, एक हम प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो इंडिया की सभी इंडस्ट्रीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म पर इंडस्ट्रीज़ की जो वॉइस है, मतलब आवाज़ है, जो उद्योग जगत की आवाज़ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर फिक्की है, ठीक है। तो यहाँ पर इस इवेंट में आप देखोगे पार्टिसिपेंट फ्रॉम द सिविलर मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, इंटरनेशनल एक्सपर्ट, ये सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल होंगे जो 93rd एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है आज। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट 17 दिसंबर को, ठीक है, CMS-01, ठीक है। तो ये लॉन्च किया जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो के द्वारा यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा 17 दिसंबर को। और यहाँ पर ये देखोगे एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहकर यानी PSLV-C50 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये अब तक का यानी PSLV का 52nd मिशन है PSLV से जो लॉन्च किया जाएगा। इसे लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है इसका काम क्या होगा, ये सब वेदर कंडीशंस के बारे में जो मेनलैंड इंडिया और साथ साथ में जो हमारे आइलैंड हैं, जैसे हमारा लक्षद्वीप हो गया और हमारा अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो इन जगहों पर हमारी जो वेदर कंडीशन है किस तरीके से चेंज होती है, इसके बारे में सैटेलाइट हमें मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका एमिशन ड्रॉप हो गया है, मतलब उत्सर्जन का कम होना, वो भी 2020 में। आप सीधा समझ सकते हो कि ये उत्सर्जन क्यों कम हुआ है। उत्सर्जन इसीलिए कम हुआ है, ये जो है COVID-19 की वजह से। COVID-19 में आप देखोगे यानी एक लॉकडाउन हुआ, और उस लॉकडाउन की वजह से यानी बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो स्टॉप हो गई, बंद हो गई, जिसकी वजह से आप देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो एमिशन यहाँ पर काफ़ी कम हो गया। तो कितना परसेंट कम हुआ है ग्लोबली, ये 7% कम हुआ है। तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि COVID-19 की पेंडेमिक की वजह से जो हमारा अर्थ सिस्टम है वो काफ़ी रिवाइव किया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन काफ़ी कम हुआ है, जिसमें आप देखोगे कि जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं वो ट्रैक कर रहे थे एमिशंस को, और उन्हें कैलकुलेट किया है कि 37 बिलियन US टन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है 2020 में यहाँ पर मतलब इतना पुट किया है, जो कि पिछली बार से यहाँ पर 41.1 यानी पिछली बार आप देखोगे 2019 में तो कार्बन डाइऑक्साइड US का एमिशंस 40.10% था, जबकि 2020 में 37 बिलियन US टन्स हो गया, ठीक है। तो यानी काफ़ी रिड्यूस आया है, और 7% का ये रिड्यूस आया है जो कि ग्लोबली यहाँ पर आया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे क्या पूछा है कि इंडिया और म्यांमार के बीच में भी हाल ही में बायलेटरल मीटिंग हुई, किस चीज़ के लिए? ऑन ड्रग कंट्रोलर कॉरपोरेशन, मतलब कॉरपोरेशन उस पर, ठीक है। तो ये वर्चुअली मीटिंग हुई, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी मीटिंग थी। तो ये इस बार की 5th मीटिंग थी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि जो इंडिया है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे इंडिया है तो इंडिया को यहाँ पर जो ड्रग्स हैं, है ना, ड्रग्स, ठीक है, तो यहाँ पर ड्रग्स के लिए इंडिया की तरफ से दो प्रॉब्लम आती, दो साइड से। एक पहली प्रॉब्लम आती है जो कि पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान से आती। अब पाकिस्तान में ये जो ड्रग्स की पाकिस्तान से ये जो ड्रग्स सप्लाई होता है ये कहाँ से आता है, ये आप देखोगे
तो जो हमारा मिडिल ईस्ट है यानी इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वहाँ से ही हमारा ये ड्रग सप्लाई होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर वो इंडिया के ज़रिए आता है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर एक तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी यही समस्या है। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे यहाँ पर एक ड्रग्स की सबसे बड़ी जो सप्लाई आती है वो हमारे यहाँ पर बॉर्डर के ज़रिए म्यांमार के रास्ते से आती है। म्यांमार, क्योंकि म्यांमार में और साथ साथ में ये जो आपका थाईलैंड है ना, इन सभी कंट्रियों में, वियतनाम वगैरह में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रग्स वगैरह का उत्पादन होता है जिससे इंडिया में सप्लाई किया जाता है। तो ये इंडिया के लिए हमेशा काफ़ी चैलेंजेस रहा है। तो इसके लिए भी हाल ही में फिफ्थ मीटिंग हो रही है इंडिया और म्यांमार के बीच में, बायलेटरल मीटिंग्स ड्रग कंट्रोलर कॉरपोरेशन ऑफ के अंदर, उसके कॉरपोरेशन को लेकर ये वर्चुअली मीटिंग हो रही है, हालांकि फिजिकल मीटिंग नहीं है। और इस मीटिंग को यहाँ पर दो बॉडी होल्ड करेंगी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंडिया और साथ साथ में सेंट्रल कमेटी ऑन ड्रग्स अब्यूज कंट्रोल म्यांमार के जरिए यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि मेडागास्कर ने भी हाल ही में रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया? मालदीव को। किस लिए रिप्लेस किया है? इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स, यानी इंडियन ओशन आइलैंड्स गेम्स ये अभी आयोजित होने थे, तो ये कब आयोजित होने हैं आपको ये बताना है। इसका सही आंसर है क्या, 2023 में आयोजित होंगे इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स। ये इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स मालदीव में आयोजित होने थे लेकिन अब मेडागास्कर में आयोजित होंगे। तो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारे यहाँ पर पेंडेमिक कंसर्न्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये 2023 में मालदीव्स में आयोजित होंगे। ठीक है, अब मालदीव नहीं, सॉरी, मेडागास्कर में आयोजित होंगे। 1977 से इंडियन ओशन आइलैंड नेशंस में ये गेम्स चलते हैं। तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, इंडिया है, मालदीव हो गया, श्रीलंका, इन सभी कंट्रियों में, मॉरिशस है ना, इन सभी कंट्रियों में आप देखोगे कि ये गेम्स आयोजित किए जाते हैं। हर 4 साल पे आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, हर 4 ईयर्स पे आयोजित किए जाते हैं। ठीक, तो इनमें कोई बड़े गेम नहीं होते, जैसे आपका यहाँ पर हो गया रेसलिंग हो गया है ना, वॉलीबॉल हो गया, तो छोटे मोटे गेम्स होते हैं, बहुत बड़े हैवी गेम्स यहाँ पर नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी लॉन्च की जा रही है डेवलपिंग मेंबर्स के लिए। तो ऐसा करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूट है, ये लॉन्च करेगा एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है एक एपी वैक्स प्रोग्राम है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। ठीक है, ये डेवलपिंग मेंबर्स के लिए होगा। इसमें एडीबी $9 बिलियन की वैक्सीन, $9 बिलियन यहाँ पर देगा जो वैक्सीन के लिए होंगे। और ये वैक्सीन इनिशिएटिव जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं उनको, सब डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो जो वैक्सीन है सभी को डिलीवर हो, सभी के पास वैक्सीन पहुँचे कोरोना वायरस की, तो इसलिए यहाँ पर ये एपी वैक्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में है ना, फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 1967 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि बिहार में ऐसा कौन सा नेशन बना है जो फोर्थ अरब नेशन है, फोर्थ अरब नेशन है जिसने अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है, किसके साथ में? इजराइल के साथ में। तो इसराइल के साथ में भी हाल ही में कौन सा कंट्री है जिसने भी हाल ही में अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है? तो नॉर्मलाइज़ किया है किसने? मोरक्को ने। मोरक्को फोर्थ अरब नेशन बन गया है जिसने अपने रिलेशंस को इसराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और ओवरऑल मोरक्को ने अभी हाल ही में यहाँ पर वो कर लिया है। सिक्स्थ नेशन रिकॉग्नाइज, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि हो सकता है कि सिक्स नेशन यानी इजिप्ट और जॉर्डन भी अपने रिलेशंस को, यहाँ पर आप देखोगे ये अपने रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मल कर लें। इसराइल के साथ इन सब के रिलेशन जो है आप देखोगे तो 1960 के दशक में काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन 2020 में यहाँ पर आप देखोगे कि सभी कंट्रियों ने, जो आसपास के इसराइल के जो सभी कंट्री हैं अरब कंट्री, इन सभी कंट्रियों ने, खासकर इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, सूडान, ये काफ़ी ज़्यादा इनके रिलेशन ख़राब थे इसराइल से,
लेकिन अब यूएस की मदद से इन सभी के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट में आपसे पूछा है कि बिहार में किस स्टेट ने, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है किस स्टेट ने बिहार में पास किया है शक्ति एक्ट। शक्ति एक्ट किस लिए पास किया है? टू कप द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ऐसा पास किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने भी हाल ही में एक इंटर कनेक्टेड बिल्स लाया है जिसके अंतर्गत विंटर सेशन में आप देखोगे ये बिल है शक्ति एक्ट। शक्ति एक्ट मतलब महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट। और ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पर चिल्ड्रंस और वुमेन के खिलाफ अत्याचार होते हैं उनको यहाँ पर कर्ब करने के लिए ये बिल लाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पर। क्वेश्चन नंबर नाइन में आपसे पूछा है कि फेस्टिवल ऑफ चांग होनुका सीमच सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर, किस कंट्री में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसराइल। इसराइल की यहाँ पर कैपिटल आप देखोगे तो इसराइल की कैपिटल है कौन सा? जेरूसलम। यहाँ पर हनुका एक आल्सो नोन एज चानुका यहाँ इस फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये एक 8 दिन का जूस सेलिब्रेशन प्रोग्राम है जो यहाँ पर रेडिकेशन यानी सेकेंड BC के दौरान शुरू किया गया था। सेकेंड टेम्पल्स इन जेरूसलम्स, तो जेरूसलम्स यानी जो ज्यूस का एक पवित्र स्थल है, ठीक है, यहाँ पर ज्यूस ने राइजिंग मतलब ज्यूस जो हैं वो अपने आप को यहाँ पर राइज करते हैं ग्रीक सीरियन अपोजिटर्स के खिलाफ रिवॉल्ट में अपने आप को जो है लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि हर साल यहाँ पर हनुका ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है कहाँ पर? इसराइल में। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिब्रेट मतलब लोगों को यहाँ पर उनको बधाइयाँ दी हैं हनुका सेलिब्रेशन के लिए, हनुका फेस्टिवल्स के लिए, कहाँ पर? इसराइल में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस समय? इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं एक और प्राइम मिनिस्टर की। शेख सब्दाह अल खालिद रीअपॉइंट हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं कहाँ से, कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रीअपॉइंट किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? कुवैत। कुवैत की यहाँ पर कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी है, ठीक है, याद रखना है। क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत सिटी कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख सब्दाह अल खालिद अल सबा, है ना, ये 8th यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। और यहाँ पर आप देखोगे ये 2019 में यहाँ पर इनका इमरी डिक्री का यहाँ पर रेजिग्नेशन आया था, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पीएम का जो पद है वो संभाला था, ठीक है। चलिए तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।